नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। पेश है आज के प्रमुख समाचार। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं गंदी लड़ाई में नहीं पड़ूंगा। आम आदमी पार्टी में बढ़ती अंदरूनी कलह के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि संगठन में जो कुछ हो रहा है उससे वह व्यथित हैं। उन्होंने इसे गंदी लड़ाई करार दिया और कहा कि यह लोगों द्वारा जताए गए भरोसे के प्रति विश्वासघात है। केजरीवाल ने कहा कि वे लड़ाई में पड़ने के बजाय दिल्ली के शासन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और किसी भी परिस्थिति में लोगों का विश्वास नहीं टूटने देंगे। आम आदमी पार्टी के भीतर इन आरोपों के साथ गंभीर मतभेद उभर कर सामने आए हैं कि वरिष्ठ आप नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव केजरीवाल को पार्टी के संयोजक पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान विदेश सचिव से मिले जयशंकर। सार्क यात्रा के तहत इस्लामाबाद पहुंचे विदेश सचिव एस जयशंकर पाकिस्तान में उनके समकक्ष एजाज चौधरी से मिले। इस मुलाकात के साथ ही 7 महीने के अंतराल के बाद मंगलवार को भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ता बहाल हो गई। पिछले साल नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात करने के बाद भारत की ओर से विदेश सचिव स्तरीय वार्ता रद्द कर दी गई थी। हरियाणा के सीएम खट्टर के काफिले की कार ने ली एक की जान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले में शामिल एक कार की चपेट में आकर 30 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा करनाल में तराउरी के नजदीक हुआ। इस वाहन में सवार 2 कर्मचारी भी हादसे में घायल हुए हैं। दुर्घटना सोमवार शाम उस समय हुई जब खट्टर चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। शिवसेना ने कहा, मुसलमानों को विशेष छूट नहीं दी जा सकती। शिवसेना ने महाराष्ट्र में मराठियों की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिए जाने संबंधी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शिवसेना ने कहा कि मुस्लिम के तौर पर उन्हें विशेष छूट नहीं दी जा सकती। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मंगलवार को प्रकाशित संपादकीय में कहा गया कि यदि मुसलमान इस देश में कुछ विशेष रियायतें चाहते हैं तो उन्हें इस देश को अपनी मातृभूमि मानने के साथ ही वंदे मातरम भी गाना होगा। हिट एंड रन मामले में सलमान खान को राहत। हिट एंड रन मामले में मंगलवार को मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को राहत प्रदान की। सलमान को अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमा नहीं करवाना होगा। सलमान खान से जुड़े वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में एक सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष के उस आग्रह को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि सलमान खान को अपना ड्राइविंग लाइसेंस जमाने का निर्देश दिया जाए। ये थे आज के मुख्य समाचार। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए www.webdunia.com।